दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ अनूप पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि SSC GD का कट ऑफ कितना जा सकता है अभी के एग्ज़ाम को देखते हुए। ठीक है, जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हमारा SSC GD 2023 का एग्ज़ाम चल रहा है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के जो रिव्यू आए हैं उसके आधार पर, और हमने अपने चैनल पर एक पोल कराया था। पहली बात तो ये कि अगर आपने उस पोल पर अपना जवाब नहीं दिया है तो पहले जाकर आप उसमें अपना जवाब दें कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं एग्ज़ाम में। ठीक है, क्योंकि उससे एक आइडिया लग जाता है कि बच्चे लगभग लगभग कितना अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बच्चों का रिव्यू क्या है एग्ज़ाम का, यानी कि कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, वो कितना बना पा रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे चैनल पर पोल था उसके आधार पर बताएंगे कि इस साल यानी कि 2023 का SSC GD का सेफ स्कोर क्या हो सकता है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सेफ स्कोर का आइडिया लगना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप सेफ स्कोर के आसपास भी होंगे तो आप अभी से अपनी रनिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि जब फिजिकल हो तो आप उसको आसानी से क्लियर कर सकें। क्योंकि अगर आप रिजल्ट तक का वेट करते हैं तो उसके बाद जो रिजल्ट आने के बाद और फिजिकल के बीच में जो गैप रहता है वो बहुत कम होता है, तो आप उसमें 5 किलोमीटर की रनिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको टाइम बहुत कम मिलेगा, जिससे आप जो है फिजिकल क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे और आपको जॉब नहीं मिल पाएगी। ठीक है, तो इसीलिए सेफ स्कोर को जानना बहुत ज़रूरी है। तो बात करें कि हमारे चैनल पर जो पोल कराया गया था उसके आधार पर अगर हम बात करें तो 27% बच्चे ऐसे हैं जो कि 50 क्वेश्चन से ज़्यादा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन यानी कि 100 मार्क्स के आसपास। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पर। देखिए तो देखिए जो हमारा यहाँ पर 27% बच्चे हैं वो 50+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें कि 14% बच्चे ऐसे हैं जो 55+ अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो आपका जो है 43% बच्चे जो है 60+ अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें कि 17% बच्चे आपके 70+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो देखिए पहली बात तो ये कि जो 70+ वाले हैं ये आधे तो फर्जी होते हैं। ठीक है, जो 70+ अटेम्प्ट किए हैं ये आधे फर्जी होते हैं, क्योंकि 80 क्वेश्चन में 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब आप भी जानते हैं कितना मुश्किल रहता है उस एग्ज़ाम पीरियड में। ठीक है ना, तो 70+ वाले जो बच्चे रहते हैं वो मैक्सिमम बच्चे जो रहते हैं वो फेंक रहते हैं, या तो वो पूरा अटेम्प्ट करके आ रहे हैं तुक्का मार के, या तो वो क्या करते हैं पूरा इसमें गलत जानकारी देते हैं। पहली बात तो ये। इसके बाद जो मैक्सिमम बच्चे देखिए आप यहाँ पर 43% बच्चे आपके 60+ अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, ये संभव है। और ये भी संभव है जो 27% बच्चे 50+ अटेम्प्ट करके आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि अगर आप कट ऑफ की बात करें अगर, तो अगर आप इसमें 55 क्वेश्चन आपके राइट हैं, ठीक है, अगर आपके 55 क्वेश्चन सही हैं यानी कि आपके मार्क्स 110+ आ रहे हैं, ध्यान रखें, तो अगर आपके मार्क्स 110 के आसपास भी हैं, ये प्लस है, ठीक है, यहां पर प्लस माइनस 5 मान लीजिए, तो प्लस माइनस आप 5 मान लीजिए। ठीक है, तो अगर आपके मार्क्स 110 प्लस माइनस 5 हैं तो आप अभी से रनिंग स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि आपको फिजिकल पर बुलाया जाएगा। ठीक है, ये कंफर्म बात मानिए कि लगभग लगभग इसके आसपास 105 से 115 के बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप फिजिकल देने जा रहे हैं। ठीक है, ये पूरा ये इस बार का अनुमान यही कहता है कि 105 से 115 के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है सेफ हैं एक प्रकार से, और आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए क्योंकि अगर आप अभी से रनिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, कट ऑफ का इंतजार करेंगे, रिजल्ट का इंतजार करेंगे, तो इसके बाद आपको टाइम नहीं मिलेगा जिससे आप इस जॉब से हाथ धो बैठेंगे। ठीक है, तो 105 से 115 के बीच में अगर आप हैं तो आप एक प्रकार से सेफ हैं, आपको रनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। ठीक है, तो
तो ये हो गया कट ऑफ। अब बात करें एग्जाम में अटेम्प्ट, देखिए बात देखिए, जैसे कि 43% बच्चे 60 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ रहे हैं, ठीक है, तो क्या रहता है कि जीके के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो हमको अंदाजा में लगा देते हैं कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता, वो गलत हो जाता है। दो चार क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, चार छः क्वेश्चन एग्जाम में जो हमको लगता है कि ये होगा, ठीक है, लेकिन वो भी गलत होता है ना। तो ये जो 60 प्लस है इसको आप 50 प्लस ही मानिए, ठीक है, जो 60 प्लस है इसको आप 50 प्लस मानिए मेरे हिसाब से, क्योंकि दो चार क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो आपको लगता है सही है लेकिन वो गलत हो जाते हैं। जब आपको आंसर की आती है तब पता चलता है कि हाँ मेरे इतने क्वेश्चन गलत हो गए हैं, ठीक है। तो अगर आप 105 से 115 के आसपास हैं, आपको लगता है इतना सही होगा, तो आप अभी से रनिंग स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि अदर कैटेगरी वाले जैसे कि एसटी एससी या फीमेल कैंडिडेट, वो अगर उनका 100 के आसपास भी है तो वो भी सेफ हैं एक प्रकार से, ठीक है। अगर आप फीमेल एसटी एससी कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपका 100 के आसपास भी है तो आप सेफ हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।